कांग्रेस ने जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसके बाद से ही तय हो गया कि बिहार के उपचुनाव में कन्हैया कुमार सक्रिय होंगे। बिहार आएंगे और उनकी भूमिका स्टार प्रचारक की होगी, जिसके बाद बिहार उपचुनाव में तेजस्वी वर्सेस कन्हैया का माहौल बनता दिख रहा है। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन टूट चुका है। जेडीयू के उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वह जीतने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं। मतलब मुकाबला सिर्फ जेडीयू से नहीं बल्कि आपस में भी होगा। उपचुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण के बीच अब कन्हैया 22 अक्टूबर के बाद बिहार आएंगे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। तो एनडीए के कैंडिडेट के साथ साथ कन्हैया के निशाने पर क्या आरजेडी के कैंडिडेट भी होंगे? क्या कन्हैया के निशाने पर तेजस्वी यादव भी होंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दर्शकों की नजर उस तस्वीर पर है जब कन्हैया और तेजस्वी उपचुनाव के मैदान में आमने सामने होंगे। पूरे देश में कन्हैया की पहचान एंटी मोदी वक्ता की है और जब से कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री हुई है आरजेडी परेशान है। सबसे पहले आरजेडी के नेताओं ने कन्हैया को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर उन पर तंज कसना शुरू कर दिया और उसके बाद कुशेश्वर स्थान सीट पर बिना कांग्रेस से बात किए अपना उम्मीदवार उतार दिया। सिलसिलेवार तरीके से घटी इन घटनाओं से ये साफ हो गया है कि कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री से आरजेडी सहज नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आरजेडी के सामने नतमस्तक रही कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बार जब आरजेडी ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते का इतिहास आखिर क्या रहा है। बिहार में कांग्रेस को हराकर ही लालू यादव ने राज करना शुरू किया था। 15 साल तक लालू राबड़ी बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी जगन्नाथ मिश्रा के कांग्रेस छोड़ने के बाद बिहार में नेतृत्व विहीन होती चली गई। धीरे धीरे लालू अपने हिसाब से कांग्रेस को बिहार में चलाते रहे। कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता 2 दशक से ज्यादा पुराना है और कांग्रेस की हैसियत बदलते दौर के साथ बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी की बनकर रह गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब उस दिव्यांग वाले इमेज से आगे बढ़ना चाहती है। बिहार में अपने पांव पर कांग्रेस खड़ी होना चाहती है और अपने हक के लिए आरजेडी से भी लड़ने को तैयार है। इसलिए उपचुनाव के रण में अपना कैंडिडेट उतार कर सीना तान कर आरजेडी के सामने कांग्रेस खड़ी है और कन्हैया को आरजेडी को नाराज करते हुए भी पहले अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी है और साथ ही उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आरजेडी को कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से इतनी दिक्कत क्यों है। दरअसल बिहार में अब तक कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था। कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी में सिर्फ अपनी सेटिंग में लगे रहते थे। पार्टी को युवा और नौजवान नेतृत्व की जरूरत थी। कन्हैया उस हिसाब से फिट बैठते हैं, पढ़े लिखे हैं, हाजिर जवाब हैं, वक्ता भी अच्छे हैं और एंटी मोदी पहचान तो उनकी पूरे देश में है। हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब देने में कन्हैया सक्षम है और कन्हैया की यही खूबी लालू और तेजस्वी यादव को अनकंफर्टेबल करती है। कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री से ही टूट गया महागठबंधन। दरअसल बिहार के क्षेत्रीय दल तब तक मजबूत रहेंगे जब तक कांग्रेस जैसी केंद्रीय पार्टी कमजोर बनी रहेगी और अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इससे आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार कांग्रेस को कोई मजबूत नेता मिले और इसलिए जैसे ही लोकप्रिय कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री हुई आरजेडी ने बगावती तेवर महागठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया और अब जब बिहार में कन्हैया का रोल बढ़ेगा तो भविष्य में महागठबंधन में फेस वॉर भी शुरू होने की पूरी संभावना है। अब तक जो तेजस्वी यादव निर्विवाद महागठबंधन के नेता बने हुए थे कन्हैया उनको आगे चलकर चुनौती दे सकते हैं, इसलिए कन्हैया से आरजेडी और तेजस्वी असहज हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर तेजस्वी और आरजेडी पर अब तक क्या रही है कन्हैया की नीति। अगर आप कन्हैया के कई इंटरव्यूज को देखेंगे तो पाएंगे कि तेजस्वी यादव या आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कभी भी कन्हैया कुछ नहीं बोलते हैं। जब तेजस्वी पर सवाल पूछा जाता है तो कन्हैया कहते हैं कि सवाल उनसे पूछा जाता है जो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष के नेताओं से सवाल नहीं बनता।
इससे पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बेगूसराय से कन्हैया लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार बने तो आरजेडी ने अपना भी कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया। उस वक्त भी कन्हैया लगातार यही बोलते रहे कि मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, गिरिराज सिंह से है, सांप्रदायिक ताकतों से है, आरजेडी के तनवीर हसन भाई से मेरा मुकाबला नहीं है। मतलब साफ है कि बिहार में कन्हैया चाहते हैं कि तेजस्वी के कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी का एनडीए का विरोध किया जाए, लेकिन बार बार आरजेडी और तेजस्वी यादव कन्हैया का हाथ झटक देते हैं और कन्हैया की जड़ें खोदने में लग जाते हैं। लेकिन अब जब इस बार बिहार के उपचुनाव से पहले बिहार में तस्वीर बदली है, महागठबंधन का समीकरण बदल गया है, माहौल जेडीयू वर्सेस आरजेडी वर्सेस कांग्रेस का बन गया है और 22 तारीख को कन्हैया कुमार भी बिहार आ रहे हैं, तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची में तेजस्वी यादव का नाम भी दूसरे नंबर पर है। तेजस्वी भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तब देखना होगा कि क्या कन्हैया और तेजस्वी के निशाने पर सिर्फ जो एनडीए या जेडीयू के कैंडिडेट हैं वो रहेंगे या एक दूसरे पर भी कन्हैया और तेजस्वी निशाना साधते नजर आएंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।